बहेरा गांव में बहेरा ओपी का निर्माण किया गया है, शुभारंभ किया गया है। इस पूरे क्षेत्र में जो पूर्व से नक्सल गतिविधियां रही हैं, जिसके रोकथाम में इस ओपी के बन जाने से काफी सहायता मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। गया जिले में जिस तरीके से नक्सलवादी पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लोग हैं उनके लिए भी चैलेंज काफ़ी फेस करना पड़ता है। इसी को लेकर आज एक नया ओपी का भी, जो गया के एसएसपी हैं आशीष भारती, उन्होंने फीता काट करके उद्घाटन किया गया। देखिए, जो गया के एसएसपी हैं तमाम जानकारी भी दे रहे हैं कि क्या कुछ जो है वो किए गए हैं, पर गया जिला के डोबी थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेरा ओपी का शुभारंभ किया गया। क्या कुछ करें गया के एसएसपी, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। आज गया जिला के अंतर्गत डोबी ओपी और बाराचट्टी थाना से तीन पंचायत को अलग करते हुए एक बहेरा गांव में बहेरा ओपी का निर्माण किया गया है, शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2021 में इसका नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो भूमि है उसको उपलब्ध कराया गया है। इस भूमि को पे भवन का निर्माण होना है, लेकिन तब तक यहाँ पे आवश्यकता को देखते हुए कार्य को जो टेम्प्ररी स्ट्रक्चर है उसमें प्रारंभ करा दिया गया है। यह क्षेत्र झारखंड राज्य से सटा हुआ है, यहाँ से झारखंड का बॉर्डर मात्र 2 किलोमीटर दूर है और काफ़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में जो पूर्व से नक्सल गतिविधियां रही हैं, जिसके रोकथाम में इस ओपी के बन जाने से काफ़ी सहायता मिलेगी। और यह डोभी ओपी से काफ़ी दूर पड़ता था और बाराचट्टी थाने से भी काफ़ी दूर पड़ता था। इसी कारण यहां पर जो आम नागरिकों को जो पुलिस से जो उनको पुलिस के पास जो समस्याएं लेकर के जाना होता था तो काफ़ी दूर पड़ता था, उनको समस्याएं ज़्यादा होती थी। इस कारण यहां पर ओपी बनाया गया है कि उनको जो समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से किया जा सके। और इसमें डोभी ओपी के 2 पंचायत हैं और बाराचट्टी थाना का 1 पंचायत है, तो टोटल कुल 3 पंचायत का यह ओपी है। और यह एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है और पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए और नक्सल गतिविधियों पे लगाम लगाने के लिए और इस पूरे ओपी क्षेत्र में जो सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में यह काफ़ी प्रभावकारी होगा। और मैं यहाँ के आम नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इसमें सहयोग करें और आसूचना का शेयर करें। और मैं अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोग सभी इस क्षेत्र के वासियों को एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और उनको बेहतर सेवा देंगे। सर, अभी इस एरिया में नक्सल एक्टिविटी का कैसा? अभी देखिए, विगत कई वर्षों से जो लगातार कार्रवाई की जा रही है नक्सलियों के विरुद्ध, और उसमें उसके कारण नक्सल गतिविधियों में काफ़ी कमी आई है। और इस पूरे क्षेत्र में लगातार जो नक्सली नेता हैं या फिर जो नक्सली संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। और अभी इस क्षेत्र में काफ़ी शांति है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि इस क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण टाटा सोलर का प्लांट है, टाटा का सोलर प्लांट है, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह ओपी का निर्माण किया गया था, तो उसकी सुरक्षा को भी ये बेहतर तरीके से सुनिश्चित। तो अभी आप गया एसएसपी आशीष भारती को सुन रहे थे, तमाम जानकारी दे रहे थे किस तरीके से जो शराबबंदी है उसको भी लागू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उतना ही नहीं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र था, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये ज़रूरत था। क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।